तो ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये उत्तपम बन के तैयार हो गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवर्णाज रेसिपीज़। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और जालीदार उत्तपम कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी देखेंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चावल और दाल भिगो के लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल लिया है। यहाँ पे आप पुराने वाले कोई भी चावल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये 3 कटोरी चावल लिया है। अब हम इसमें उड़द की दाल डालेंगे। तो आधी कटोरी हम यहाँ पे उड़द की दाल डालेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम इस सारे मिश्रण को एक किसी बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में इसे निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 घंटे के लिए इस दाल चावल को भीगने के लिए छोड़ दिया था। 5 घंटे के बाद इस दाल चावल को हम मिक्सी के जार में निकालेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है। इसमें मैंने ये सारा दाल चावल निकाल दिया है। अब हम इसमें घर की बची हुई एक चीज़ डालेंगे जिससे हमारे ये उत्तपम बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो वो है ये बचे हुए चावल। ये पके हुए बचे हुए चावल है, तो रात के बचे हुए चावल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बारीक सा पेस्ट बना लिया है। और इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे रात भर के लिए या फिर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे आप किसी गर्म जगह पर या फिर माइक्रोवेव या ओवन में रख सकते हो। मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था और सुबह मैंने इसे निकाला है और ये बैटर देखिए कितना बढ़िया फूल गया है। मैंने इसे थोड़ा सा फेंट लिया है। ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो यहाँ पर मैं आधी कटोरी इसमें पानी डाल के इसे फिर से फेंट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें आधी कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है और बहुत ही बढ़िया ये हमारा बैटर हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे। उत्तपम बनाने के लिए ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ पे प्याज लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज बारीक काट के लिए है और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च बारीक काट के लिए है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उत्तपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे और ये बैटर थोड़ा सा बीच में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बैटर डाल के इसे हल्का सा घुमाया है और बैटर गीला है तभी हमें इसके ऊपर ये प्याज, हरा धनिया और मिर्च डालनी है। उत्तपम आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हो। बैटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसके ऊपर प्याज अच्छे से डाल दिया है। हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे ये प्याज अच्छे से बैठ जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और साइड से भी लगाना है। आप यहाँ पर तेल की जगह घी या फिर बटर भी लगा सकते हो। एक साइड से ये हो गया है और इसे हम पलटेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसे पलट देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है और अच्छे से ये सिक गया है। दूसरी साइड से भी मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है और ये देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर बैठ गया है। तो ये हो गया है, इसे हम निकालेंगे और इसी तरह से हम बाकी बचे उत्तपम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम बैटर डालेंगे तवे के ऊपर तब हमारा गैस जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए ताकि ये बैटर अच्छे से फैल जाए। बैटर हमें थोड़ा सा ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और प्याज हमें ये जो बैटर है ये गीला होता है तभी हमें झट से डाल देना है, वरना ये इसके अंदर चिपकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, ये निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये उत्तपम बना लिए है और दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। और इस तरह से आप अगर उत्तपम बनाते हैं तो आपके उत्तपम बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जालीदार बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये सारे उत्तपम बना लिए हैं। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये उत्तपम बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप यहाँ पे कोकोनट चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ इसे सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये उत्तपम ज़रूर बना के देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।